हेलो हिमांशिका, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग। लाइट आ गई थी घर पे जल्दी? यस सर, 2 o'clock आ गई थी। 3 सर, मैंने आरएस से भी कर ली थी वॉल्यूम सरफेस एरिया। हमारी एक्सरसाइजेस सर, लास्ट की एमसीक्यूज में 78 क्वेश्चंस मैंने कर दिए। अच्छा, 78 क्वेश्चंस थे उसमें, एमसीक्यूज में सारे हो नहीं, गए? एक ही डाउट था। तो एक डाउट है, ठीक है। तो पहले वो बता देता हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट विद स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स अपना कंप्लीट हो गया था। पाई शीट क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए मैं नहीं बना पाया हूँ, बट एज इन व्हेन आई गेट द टाइम आई विल सेंड इट टू यू, ठीक है। पाई शीट तो वो भी करनी है, ऐसा नहीं है कि रख देंगे वो बाद में हो गया इसलिए। हाँ, आरडी में से। अच्छा, मेरे पास क्वेश्चंस नहीं है। सो मैं फोटो भेजूं अभी? अगर इफ यू कैन रीड इट देन इट्स फाइन, रीड कैन रीड द क्वेश्चन एंड आंसर। द वॉल्यूम्स ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:27 एंड द सम ऑफ देयर रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया इज। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, डिफरेंस बिटवीन टोटल सरफेस एरिया। यस सर। क्या ये सही है? वॉल्यूम ऑफ द टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:27, सम ऑफ द रेडियस इज 7, सम ऑफ द रेडियस इज 7। यस सर। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट माइनस टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेकंड, ये अपन को फाइंड करना है, करेक्ट सर? रेशियो दिया हुआ है वॉल्यूम को, ये तो लिखा है मैंने यहां पे V1/V2। यस सर, मैंने सोचा था जो आर होगा ना उसमें एक को एक्स लेंगे और एक को 7 - x लेंगे। हाँ ठीक है, तो क्या होगा? आर का तो समझ आया, फिर नहीं आया। नहीं, अभी तो समझी नहीं क्वेश्चन। R1 + R2, यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है। ये एक इक्वेशन है इन R1 and R2। देर आर टू वेरिएबल्स R1 and R2, क्योंकि अपन को वैल्यूज नहीं पता है उनकी, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है इन द वेरिएबल्स R1 and R2। यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम का रेशियो गिवन है, तो यहाँ से अपने पास एक और इक्वेशन आएगी R1 and R2 में, ठीक है। फिर दो इक्वेशंस आ गई, दो वेरिएबल्स हैं, दोनों को सॉल्व करेंगे, R1 और R2 की वैल्यू आ जाएगी। R1 की वैल्यू आ गई तो स्फीयर का टोटल सर्फेस एरिया आ जाएगा, R2 की वैल्यू आ गई तो दूसरे स्फीयर का टोटल सर्फेस एरिया आ जाएगा। ये करना था, ठीक है। तो V1/V2 करते हैं। V1/V2, volume of first spherical, 3/4 pi r³ by r³ r1 लिया है first वाले का, ठीक है, and 4/3 pi r²³, ये second sphere का volume हो गया। This is given to be 64/27, 4/3 × pi, ये तो cancel हो गया numerator denominator में से, ठीक है। We get R1/R2 का whole cube is equal to 64/27. This implies R1/R2 whole cube. का whole cube, so cancel हो गया ना? यहाँ पे ये cube आएगा R1/R2 का cube, this is equal to लिखेंगे, this is 4/3 का क्यूब, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में? तो वी गेट R1/R2 इज इक्वल टू 4/3। ये अपने पास सेकंड इक्वेशन आ गई R1 and R2 में, ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व कर ले बस, यहाँ से R1 की वैल्यू डाल देते हैं। R1 इज इक्वल टू व्हाट? 7 - R2, ठीक है। वापस से कंफ्यूज मत कर अपने आप को एक्स लेके, इसको एक्स लेने की जरूरत नहीं है, सीधा R1 ही यूज कर, बिकॉज R1 इज अ वेरिएबल जिसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू डाल देते हैं 7 - R2 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 - R2/R2 इज इक्वल टू 4/3 आएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, R2 इधर मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी 3 × 7 = 21 - 3 × R2 = 3R2 is equal to 4R2, यहाँ से आ गया R2 is equal to 3, R2 अगर 3 हो गया, this implies R1 is equal to 4, ये अपने पास दोनों का radius आ गया,
अब क्या करना है, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है. तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, टोटल सरफेस एरिया फर्स्ट स्फीयर का कितना हो जाएगा, 4 इनटू पाई आर स्क्वायर. तो आर वन की वैल्यू क्या है, 4. तो 4 इनटू पाई इनटू आर वन स्क्वायर, आर वन स्क्वायर मतलब 16 हो गया, माइनस 4 इनटू पाई इनटू आर टू स्क्वायर व्हिच इज 9. दिस इज इक्वल टू 16 इनटू 4 64, 64 पाई माइनस 36 पाई 36 is equal to what? 28 pi. Pi की value डाल देते हैं 22 upon 7. 7 और 28 cancel हो जाएगा, 4 into 22 आएगा, which is 88 centimeter square. ये आएगा बात. Yes. ठीक है? Yes. तो हो गया. Okay. अब क्या करें, खत्म करें इसको, चैप्टर को. ठीक है, स्टैट्स, स्टैट्स से स्टार्ट करते हैं. स्टैटिस्टिक्स. नाउ स्टैटिस्टिक्स इज व्हाट we do in statistics is ki jaise apne paas bahut sara data collect ho jata hai from everything that we are doing these days. theek hai, pehle to jaise agar data collect karna hota tha to kafi mushkil hota tha, sabse jaake pooch, jaise koi survey karna hota to sabse poochna padta tha ki aap ye details batao, aap likhoge pehle us details ko, fir us details ko ek jagah pe rakhoge tab wo data create hota tha. theek hai, aajkal to sirf google form bhejo kisi ko, jaise maine, mujhe agar apne students ka database chahiye तो पहले मैं क्या करता, अगर मेरे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आई वुड हैव गॉन एंड आस्क ईच स्टूडेंट कि यार मुझे नंबर बता, ईमेल बता, नाम बता, पेरेंट्स का नाम बता और ये सब बता. ठीक है, तब मेरे पास डिटेल आती. फॉर एवरी स्टूडेंट आई वुड हैव टू डू दिस. अब क्या कर सकते हैं, गूगल फॉर्म भेज दिया, सीधा भर दो, मेरे पास एक एक्सेल शीट बन जाएगी. तो ये सारा जो डेटा अपने पास होता है, ठीक है, अगर मुझे इसको डिस्प्ले करना हो इन सम मीनिंगफुल वे फॉर मी टू बेटर अंडरस्टैंड कि वो डेटा में क्या गिवन है, ठीक है, तो क्या करेंगे, वी यूज स्टैटिस्टिक्स, वी मेक द डेटा टू बी मोर मीनिंगफुल बाय एम्प्लॉइंग सम मेथड्स. ठीक है, एंड दोज मेथड्स आर व्हाट वी स्टडी इन स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स को अगर सिंप्लीफाई करना हो तो वी कैन से दैट इट इज द manipulation of data to make it more informative. ठीक है, manipulation of data का मतलब ये नहीं कि data change कर रहे हैं अपने हिसाब से. We are representing it, जैसे bar graph के form में represent किया, या histogram के form में represent किया, या pie chart के form में represent किया. ठीक है, या फिर जैसे मैंने किसी चीज का एवरेज बता दिया कि इतनी एवरेज चीज आ रही है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपने इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड, इट चेंजेस, इट इज वेरिंग एवरी टाइम, एवरी सेकेंड. ठीक है, बट जैसे अगर मुझे किसी को बताना हो कि मेरी स्पीड कितनी आती है, तो मैं उसका एवरेज बताऊंगा कि जैसे 100 Mbps, हो सकता है कि कभी कभी 2 Mbps आती हो, कभी कभी 80 Mbps आती हो. तो मैं ऐसे थोड़ी बताऊंगा 2 से 80 तक वेरी करती है. आई वुड से कि एवरेज अराउंड 50 Mbps की स्पीड आती है. ठीक है, तो दैट मीन्स आई एम एम्प्लॉइंग स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, मोड एंड ऑल दीज थिंग्स इंक्लूड हो जाते हैं. ठीक है, तो मैं जैसे एवरेज बता रहा हूँ, या मैंने कभी ऐसे बोला कि यार ये चीज़ दुकान पे सबसे ज़्यादा बिक रही है. ठीक है, मतलब दिस थिंग इज गेटिंग सोल्ड आउट फास्टेस्ट, मतलब इसका मेरे को स्टॉक ज़्यादा रखना पड़ेगा. So what am I employing there? I'm employing mode of my items. Mode का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा अकर करने वाली चीज़ क्या है. What is occurring the most in your data? ठीक है, तो वो mode में हो गया. And all these things ये अपन statistics में काम लेते हैं. ठीक है, या ये सब statistics में आता है. तो सबसे पहले what do we mean by data? This is the basic building block. डेटा क्या होता है,
data is all the information that we are collecting specific to something. ठीक है, जैसे कुछ भी हो सकता है, स्टूडेंट डेटाबेस हो सकता है, मार्क्स का डेटाबेस हो सकता है, ह्यूमन पॉपुलेशन का डेटा हो सकता है, एनिमल्स का डेटा हो सकता है, एंड ऑल दीज थिंग्स. कोई भी चीज़ अगर अपन कलेक्ट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, तो उसको अपन डेटा बोलते हैं. ठीक है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, इसमें क्या फ़र्क होता है? प्राइमरी डेटा, जैसे मैंने कहीं पर जाके एंड आई एम माई सेल्फ कंडक्टिंग सम सर्वे, ठीक है, और उस सर्वे से जो डेटा आ रहा है उसको मैं प्राइमरी डेटा बोलूँगा. मतलब आई एम मेकिंग द डेटा फ्रॉम स्टार्टिंग. ठीक है, मैं कहीं घर घर जा रहा हूँ और उनसे डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ कि आपकी इन्फॉर्मेशन मुझे दे दो, तो आई एम मेकिंग अ प्राइमरी डेटा फॉर माई सेल्फ. बट सपोज कोई मेरा दोस्त है, उसने क्या किया, उसको वो डेटा काम का लेना है, बट नॉट एवरीथिंग, मे बी सम पार्ट ऑफ इट, कि तेरी सोसाइटी में कौन से लोग रहते हैं, सिर्फ नाम चाहिए उसको, और सारी डिटेल्स नहीं चाहिए, फैमिली मेम्बर्स नहीं चाहिए कि कौन कौन कितने हैं, क्या एज है, इन सब की ज़रूरत नहीं है. तो वॉट विल ही डू, ही विल यूज़ माई डेटा टू मेक यूज़ फॉर हिज डेटा, जो भी उसको काम है उसके लिए. तो अब वो मेरे डेटा में से, जो मेरा प्राइमरी डेटा था, उसमें से जो चीज़ें लेगा और उसका जो डेटा बनाएगा, दैट विल बी अ सेकेंडरी डेटा. मीनिंग ही इज हिमसेल्फ नॉट कलेक्टिंग द डेटा, ही इज यूजिंग सम ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड डेटाबेस, तो उसको सेकेंडरी डेटा बोलते हैं. आगे समझ में? ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं अपने क्लास में, जैसे देखो अगर डेटा चाहिए हो, प्राइमरी डेटा किसको बोलेंगे? यू आर कलेक्टिंग स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर क्लास, कि पेरेंट्स क्या करते हैं, तुम लोग कितना टाइम घर पे स्पेंड करते हो स्टडी कर लिए करने के लिए, एंड ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, एंड तूने मार्क्स का भी डेटा ले लिया उसमें से, कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए. सपोज योर टीचर वॉन्ट्स टू नो ओनली द मार्क्स ऑफ सम स्टूडेंट्स, तो ही और शी विल यूज योर डेटा, क्योंकि तूने तो डायरेक्टली जाके बात करी है, उनको मिल गया डेटा बना हुआ, तो ही और शी विल यूज दैट डेटा. मीनिंग दैट इज सेकेंडरी डेटा, और जो तूने कलेक्ट किया था वो प्राइमरी डेटा. ठीक है, अब डेटा तो ये हो गया, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, इतना ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें चैप्टर में. ठीक है, अब जैसे मेरे पास कुछ डेटा है, सम नंबर्स का कुछ डेटा है, तो जैसे कोई भी रैंडम ले लेते हैं, 5, 7, 25, 11, 16, 3 and 100. ठीक है, दिस इज सम डेटा दैट आई कलेक्टेड फॉर समथिंग, कोई मुझे ऐसे स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है. तो ये मेरे पास डेटा हो गया. ठीक है, दिस इज रॉ डेटा, दिस इज नोन एज रॉ डेटा, बिकॉज ये किसी भी तरीके से अरेंज नहीं है, दिस इज जस्ट रैंडम थिंग्स. ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज नहीं है ये, तो ये रॉ डेटा होगा, मतलब एज रॉ एज इट इज, एज बेसिक एज इट इज, कुछ भी अपन ने इसमें मैनिपुलेशन नहीं किया है. अभी यहाँ से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, बट अगर मैंने इसको जैसे अरेंज कर दिया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर, तो ये 3, 6, 5, 3, 5, 7, 11, 16, 27 and 100. ठीक है, ऐसे मैंने अरेंज कर दिया इसको. अब मैं, कि मुझे नहीं पता कि एक्चुअली किस चीज़ का डेटा है, तो मैं ये तो नहीं बता सकता अरेंज करने के बाद भी कि किस चीज़ का डेटा है. ठीक है, बट व्हाट कैन आई डू, आई कैन टेल द रेंज ऑफ दिस डेटा. मैं रेंज बता सकता हूँ, रेंज होता है कि कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू. यहाँ से मैं आसानी से बता सकता हूँ दैट रेंज ऑफ दिस डेटा इज गोइंग फ्रॉम 3 to 100. सो इट इज मेकिंग, आई एम मेकिंग सम इंफॉर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम अरेंजिंग दिस. ठीक है, तो अब ये रॉ डेटा नहीं रहा, दिस इज समथिंग दैट आई हैव मेड चेंजेस टू. ठीक है, हाँ, तो ये रेंज होता है, रेंज इज फ्रॉम वेयर टू वेयर माई डेटा इज वेयरिंग, कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है डेटा, किस रेंज में है एज वी से. ठीक है,
अब अगर मैं इसको टेबल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहूँ, ठीक है, तो व्हाट आई यूज इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इस डेटा के लिए तो नहीं, बट मे बी सम जहाँ पे बहुत सारे डेटा, क्योंकि डेटा कभी भी इतना सा नहीं होता है, लाइक वॉट एवर, जब भी अपन कुछ कलेक्ट करते हैं तो काफ़ी सारा डेटा अपने पास आ जाता है किसी चीज़ का, ठीक है, एंड टुडे विद टेक्नोलॉजी अ लॉट ऑफ डेटा इज गेटिंग क्रिएटेड, एवरी टाइम वी आर ऑन द मोबाइल सम डेटा इज गेटिंग क्रिएटेड कि आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ पे हो, वॉट एप्स यू आर यूजिंग, वॉट थिंग्स यू आर सर्चिंग फॉर, एवरी थिंग इज देयर, और वो सब चीज़ें इकट्ठा होती हैं, एवरी वन इज यूजिंग दैट, सेल भी करते हैं डेटा एंड एवरी थिंग, ठीक है, तो वो जो डेटा, अब उसका क्या करते हैं लोग, दे लाइक सम पीपल स्टैटिस्टिशियंस जो होते हैं, दे यूज, दे मेक स्टैटिस्टिक्स आउट ऑफ इट, जैसे गूगल के स्टैटिस्टिक्स आते हैं कि वॉट वर द मोस्ट सर्च्ड थिंग्स और पीपल इन दिस ईयर बाय पीपल ऑफ इंडिया, ऐसे स्टैटिस्टिक्स आते हैं, अखबार में भी आते हैं, ठीक है, जैसे हु वर द मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटीज, ऐसे भी आते हैं, वॉट वर द मोस्ट यूज वर्ड्स इन समथिंग, ठीक है, वॉट वॉज द मोस्ट सर्च्ड वेबसाइट, वॉट वॉज द मोस्ट विजिटेड वेबसाइट, ये सारे स्टैटिस्टिक्स में काम आ जाएंगे, ठीक है, और वो कहाँ से आ रहे हैं, बिकॉज पीपल आर गेटिंग डेटा कि अपन मोबाइल पे कितना क्या चीज़ कर रहे हैं, ये आ रहा है समझ में सारी चीज़ें, ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो काफ़ी आजकल, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा है, तो एवरी वन रियली नीड्स अ लॉट ऑफ पीपल हु कैन मेक गुड सेंस आउट ऑफ डेटा, ठीक है, तो वो सेंस बनाना भी एक मुश्किल काम होता है, इसलिए अ लॉट ऑफ पीपल डू गेट गुड सैलरीज फॉर डूइंग दिस जॉब, ठीक है, पहले इतना शायद नहीं होता था ल्यूक्रेटिव, बट आजकल काफ़ी ज़्यादा है, डेटा क्रंचिंग भी होता है एक चीज़, डेटा क्रंचिंग, डेटा क्रंचिंग का क्या मतलब होता है कि बहुत सारा डेटा है, उसको आप इस ऑर्डर में कर रहे हो अरेंज कि वो समझ में आ रहा है सामने वाले को कि क्या हो रहा है, ठीक है, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ कि क्या होता है, वो कंप्यूटर्स अगर तुझे कभी इंटरेस्ट होगा तो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, नाउ रेंज यहाँ पे ये हो गया कि 3 to 100 तक वैरी कर रहा है डेटा, अब सपोज मेरे पास 100 नंबर्स गिवन है रैंडम ऑर्डर में, ठीक है, एंड अब फॉर एग्जांपल मैं बुक का यूज लेता हूँ, क्योंकि मैं वापस लिखूंगा सारे नंबर्स तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो बुक ओपन कर, पेज 241 एग्जांपल 3, या पहले एग्जांपल 2 पे आ जा, डू नॉट गो टू एग्जांपल 3, कम टू एग्जांपल 2, क्या खुल गया, ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे नंबर्स गिवन है, अराउंड 30-40 नंबर्स आर देयर, ठीक है, अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करें, अगेन अरेंज करने में इतना ज़्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन कुछ पता नहीं चला, तो वी मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या होता है, वी हैव सम डेटा हियर, सम वैल्यूज ले लेता हूँ, एंड उसका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हाउ मेनी टाइम्स अ थिंग इज अकरिंग और हैपनिंग इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी, कि वो कितनी बार हो रहा है, ठीक है, या कितना उसके कितनी बार अकर कर रहा है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, तो सपोज ये वाला जो मेरे पास डेटा है इधर, अगेन दिस इज रॉ डेटा क्योंकि ये अरेंज नहीं है, ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि डिफरेंट डिस्टिंक्ट वैल्यूज कौन सी हैं, 10, 20, 36, 40 एंड ऑल दीज थिंग्स विच आर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड जो टेबल बनी हुई है, ग्रुप्स में नहीं डालते हैं क्या, ग्रुप्स में नहीं डालते इसको, अभी अपन ग्रुप नहीं ले रहे हैं, दिस इज अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, एक एक चीज करके चलेंगे आगे, ठीक है,
दिस इज नोन एज अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 कितनी बार अकर कर रहा है, देखो काउंट नहीं करना है, टेबल में से बता दे. क्या बार्स नहीं बनाते? बार्स मतलब कौन से बार्स? कौन से बार्स? थ्री की थ्री बार्स बनती है. नहीं हाँ वो अभी बता रहा हूँ मैं, एक एक चीज करते हैं यार. ठीक है अभी अपन फ्रीक्वेंसी टैली मार्क्स भी बता दूंगा, उसमें कुछ नहीं है, वो तो बच्चों वाली चीज है कि आप काउंट करने के लिए टैली मार्क्स यूज कर रहे हो. ठीक है तो वो भी बता देता हूँ. चल अब तूने पूछा ये तो, टैली मार्क्स इट इज अ वे ऑफ काउंटिंग कि कितनी बार कोई चीज अकर कर रही है. तो तूने जैसे अनग्रुप्ड देखो रॉ डेटा गिवन है, तूने देखा कि 10 एक डिस्टिंक्ट वैल्यू, डिस्टिंक्ट मतलब इट इज नॉट ग्रुप्ड, क्लास इंटरवल में नहीं डिवाइड कर रहा हूं मैं, किसी के साथ पेयर नहीं कर रहा हूं, डिस्टिंक्ट मतलब सिर्फ 10. अगर 11 होगा तो वो चेंज हो जाएगा, 10.5 होगा तो चेंज हो जाएगा, 10.2 भी होगा तो भी चेंज हो जाएगा, कोई भी. ठीक है ओनली 10, ओनली द 10 डिस्टिंक्ट वैल्यू. तो अगर 10 है और देखो तू काउंट कर रही है कि इस डेटा में 10 कितनी बार अकर कर रहा है, तो 10 अगर एक बार अकर किया तो एक लाइन, दूसरी बार अकर किया तो दूसरी लाइन, फिर तीसरी बार ऐसे तीन लाइन, फिर चार लाइन, फिर अगर पांच बार कर रहा है तो इसको ऐसे काट देते हैं टू मेक दिस वन पेयर, मतलब वन ऑब्जेक्ट, कि इसमें पांच काउंट हो गए तो इसको छोड़ दो अब. तो अगर मैंने ऐसे काट दिया मतलब पांच आ गए, फिर अगर सिक्स टाइम आ रहा है तो वापस नया स्टार्ट करेंगे, फिर सेवन ऐसे, फिर एट, अगर एट है तो ऐसे छोड़ देंगे, वी नो कि यहाँ पे पांच है, इस वाले में पांच है, इसमें तीन काउंट हो गए, तो therefore there are eight. Eight is the frequency of 10. 10 is occurring eight times. अगर suppose 9 और 10 वापस आ गए, मतलब 10 बार है, तो ऐसे काट देंगे वापस. So we will get two pairs like this. ठीक है? तो ये टैली मार्क्स है. इसमें क्या है? ये बच्चे वाली चीज है, ये तो काउंट करने का मेथड है. मैं पूछ रही थी कि फ्रीक्वेंसी में वहां पे नंबर्स लिखे तो टैली मार्क्स को नहीं यूज करता. अरे तो टैली मार्क्स बता तो रहा हूँ, क्योंकि टैली मार्क्स फ्रीक्वेंसी थोड़ी, अपन तो काउंट करने का मेथड हो गया ये ऐसे अपन बना रहे हैं उसको, मतलब कि अपन कंफ्यूज नहीं करें कि कितनी बार अकर कर रहा है, इसलिए अपन टैली मार्क्स बना रहे हैं, क्योंकि ये एक चीज हो गई कि ये पांच आ गए, इसमें पांच आ गए, तो ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो. क्योंकि सपोज मैं ऐसे काउंट करता रहूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे मैंने काउंट किया, अब मेरे को काउंट करने में भी कंफ्यूजन होगा कि ये कितनी लाइंस हैं, क्योंकि कंफ्यूजिंग हो गया ये, इसलिए अपन ऐसा बना देते हैं. ठीक है, जस्ट अ वे टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी अपन नंबर के फॉर्म में ही लिखते हैं, नॉट इन टैली मार्क्स. तो यहाँ पे कितना हुआ, 10 इज अकरिंग से वन टाइम, ओनली वन टाइम, तो फ्रीक्वेंसी इज वन. ठीक है, 20 कितनी बार अकर कर रहा है, अब देख के नहीं बताना है, एक ही बार फ्रीक्वेंसी दे रखी है वही बतानी है तुझे, फ्रीक्वेंसी इज वन मतलब एक बार अकर कर रहा है. 36 थ्री टाइम्स, तो डेटा में तीन बार आ रहा है इसलिए वो तीन उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, सो 36 इज कमिंग थ्री टाइम्स. 40 4 times, तो 4 is the frequency, मतलब 4 times आ रहा है डेटा में 40. ठीक है, ये ऐसे जो अपन टेबल बनाते हैं where there are distinct values here, not grouped. Grouped मतलब कि बहुत सारी values को अपन ने group करके एक class बना दी, वो चीज नहीं हो रही है, distinct values हो रही है यहाँ पे. ठीक है, और उसकी frequency बता देते हैं, तो ये ungrouped frequency distribution table होती है. डिस्ट्रीब्यूशन को अपन कभी कभी ऑमिट कर देते हैं बिकॉज ये सारी टेबल्स में इंक्लूड होता है, तो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं होती है क्योंकि, तो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल भी बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे अगर मैं फ्रीक्वेंसी सारे डिस्टिंक्ट वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी को एड करता हूँ,
सारी डिस्टिंक्ट वैल्यूज, जो भी डेटा में डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, उन सब की फ्रीक्वेंसीज को अगर मैं ऐड करूं तो कितना आना चाहिए? हाँ, जितनी टोटल वैल्यूज गिवन है डेटा में वो सब आ जाएंगी. तो फ्रीक्वेंसी का एडिशन शुड बी से, जैसे 100 वैल्यूज हैं तो यहाँ पे 100 आ जाएंगे, अगर 30 है तो 30 आ जाएंगी. मतलब कितनी वैल्यूज अपन को दे रखे हैं डेटा में उस पे डिपेंड करेगा वो सारे फ्रीक्वेंसी का सम, दिस शुड बी इक्वल टू दैट वैल्यू. ठीक है. नाउ पहली मांग तो समझ में आ गया ना, वापस समझाने की जरूरत थोड़ी है. ठीक है. अब अनग्रुप्ड तो अपन ने पढ़ लिया. ग्रुप्ड, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्या होता है? अब वापस एग्जांपल 2 पे ही आ जा. ठीक है, एग्जांपल 3 पे नहीं जाना है अभी. बुक में मैंने सपोज ऐसे ग्रुप कर दिया 10 से लेकर 30 तक सारी वैल्यूज इस ग्रुप में लाई करेंगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? या इस ग्रुप में जो लाई कर रही वैल्यूज उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज आ रही हैं? 10 to 30. ठीक है, अभी एक और चीज समझनी है, अभी खत्म नहीं हुआ है. 30 to 60 मैंने दूसरा ग्रुप ले लिया. हाँ वो ही मैं बता रहा हूँ. अभी यहाँ पे 30 है, यहाँ पे भी 30 है, आगे वाला भी ग्रुप ले लेता हूँ, से 60 to 90 ऐसे ले लिया. ठीक है, अब इसको मैं ग्रुप नहीं बोलूंगा, इसको मैं क्लास बोलूंगा. ठीक है, दिस इज नोन एज अ क्लास इंटरवल, जस्ट क्लास और क्लास इंटरवल. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाली जो वैल्यू है 30 और ये वाली जो वैल्यू है 30, तो दो बार रिपीट हो रहा है. सिमिलरली 60 भी दो बार रिपीट हो रहा है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि अगर 60 जो वैल्यू आ रही है वो कौन से क्लास में जाएगा. ठीक है, तो उसको कंफ्यूजन को कैसे खत्म करते हैं अपन? 41. नहीं, वो तो अलग ही चीज हो जाती है, वो वाला अलग चीज हो जाती है. जैसे 30 आ रहा है तो अपन इस वाली क्लास में उसको ऐड करेंगे. ठीक है, नॉट इन दिस क्लास, वी विल ऐड दैट इन दिस क्लास. ठीक है, ये कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लेते हैं ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए. ओनली फॉर दैट इन ओनली फॉर दैट केस. ठीक है, अगर 30 आ रहा है तो अपन इस वाली क्लास में लेंगे जिसमें 30 लोअर लिमिट है. दिस इज नोन एज द लोअर लिमिट, दिस इज नोन एज द अपर लिमिट ऑफ द क्लास. ठीक है, तो वो वाली क्लास में ऐड नहीं करेंगे जिसमें 30 अपर लिमिट है. वी विल ऐड इट इन द क्लास इन विच 30 इज द लोअर लिमिट. तो क्या हो रहा है, ये वाला जो क्लास है इसमें 10 से लेकर 30 तक सारे वैल्यूज हैं, बट नॉट इंक्लूडिंग 30. ठीक है, यहाँ पे 30 से लेके 60 बट नॉट इंक्लूडिंग 60. यहाँ पे 60 से लेके 90 बट नॉट इंक्लूडिंग 90. नेक्स्ट क्लास बोल रही है क्या? नेक्स्ट क्लास से 90 टू 100 है ऐसा? यस, और यहां पे टेबल एंड. ठीक है, हाँ, तब अब टेबल एंड हो गई तो अपन किस में डालेंगे? इसी में तो डालेंगे, वो तो कॉमन सेंस है. ठीक है, उसको छोड़ थोड़ी देंगे. ठीक है ना. हाँ, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाले टाइप के क्लास इंटरवल्स को क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज, दीज आर नोन एज कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स. कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स मतलब जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है वो दोनों की सेम है. कंसेक्यूटिव क्लास जो है उनकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है. सॉरी, ये शायद मैंने थोड़ा सही तरीके से नहीं बोला. इस क्लास की अपर लिमिट और उसके कॉन्जिक्यूटिव जो क्लास है उसकी लोअर लिमिट, ये सेम है, तब कंटिन्यूस होगा.
अभी आ रहा है क्या समझ में? ठीक है चल, अब ठीक है तेरे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है तुझे, ठीक है सेकंड एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, तो तुझे बताना है कि क्लास इंटरवल्स मेरे को मैंने ऐसे लिया है 10 to 30, क्लास बिट भी बता देता हूँ, दिस इज नोन एज क्लास, पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, वापस मार्क कर देता हूँ क्या हो रहा है, जस्ट वन इज नोन एज अ क्लास इंटरवल, दिस इज नोन एज अ क्लास इंटरवल, ठीक है ये इंडिविजुअल, दिस इज नोन एज क्लास इंटरवल, ये हो जाएगा लोअर क्लास लिमिट, ये हो जाएगा अपर क्लास लिमिट, ठीक है अपर क्लास लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऑफ अ क्लास इंटरवल इज नोन एज द क्लास विड्थ, सही समझ में आ रहा है? अपर क्लास इंटरवल, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट इज नोन एज द क्लास विड्थ, yes. अब मेरे पास एग्जांपल टू है, ठीक है तो ये वाली मैंने क्लास इंटरवल्स ले लिए हैं, जरूरी नहीं कि क्लास इंटरवल्स की जो विड्थ है वो सब में सेम हो, बट जनरली इन व्हाट वी टेक इज दे वी टेक द क्लास विड्थ टू बी इक्वल, ठीक है जनरली जरूरी नहीं है, पर जैसे यहाँ पे 10 टू 30 है तो क्लास विड्थ कितनी हो गई 20, यहाँ पे 30 टू 60 है तो क्लास विड्थ कितनी हो गई 30, यहाँ पे 60 टू 90 यहाँ पे 30 हो गई, यहाँ पे 90 टू 100 है यहाँ पे 10 हो गई, ठीक है जरूरी नहीं दैट वी डू नॉट नेसेसरली हैव टू टेक देम टू बी इक्वल क्लास विड्थ, ठीक है अब देखो बताना है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 10 टू 30 2 करेक्ट, 30 टू 60 12 सही है, 60 वाले काउंट नहीं करेंगे, 60 वाले जो डिस्टिंक्ट 60 वैल्यू के हैं वो इस क्लास में नहीं आएगी, नेक्स्ट वाली क्लास में काउंट करेंगे उसको, तो 60 टू 90 में कितने आ गए 12, करेक्ट, और 90 टू 100 4 सही है, अब इन सबका एडिशन क्या आना चाहिए 30 आना चाहिए, सबकी फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं 12 प्लस 12 24 प्लस 6 इज 30, सो दैट इज करेक्ट, यस यस ये आ रहा है समझ में, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करता हूँ, नाउ इंस्टेड ऑफ मेकिंग द क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है माइक को म्यूट कर ले, यार ये बोर्ड बहुत परेशान करता है, अब मैं क्लास इंटरवल 10 से लेकर 31 ले रहा हूँ, नहीं सॉरी 30 ले रहा हूँ, और नेक्स्ट वाला 31 से लेकर 50 ले रहा हूँ, फिर 51 से लेकर 71 से लेकर 90 एंड 91 से लेकर 100, ये मैंने क्लास इंटरवल्स लिए हैं, ठीक है आ रहे समझ में, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे जो अपर लिमिट है और यहाँ पे जो लोअर लिमिट है ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है
कितना डिफरेंस है उनके बीच में, 1 का डिफरेंस है. सो वी कैन वी विल नॉट से दैट दिस इज कंटिन्यूअस, ठीक है, ये कंटिन्यूअस नहीं हुए. सो वी विल से डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स हैं अब ये. ठीक है ना? यस. अब तुझे बताना है यहां से फ्रीक्वेंसी अगेन अगेन फॉर द सेम क्वेश्चन. सो फर्स्ट वाले का टू. हाँ सॉरी, ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया शायद. 30 क्योंकि अब यहाँ पे 30 यहाँ पे है और 31 यहाँ पे है, तो 30 फर्स्ट वाले में. हाँ तो 30 वाला फर्स्ट में ही जाएगा. यस, अब बताओ. 31 टू 50. यस 10. 51 टू 70. सो 10. करेक्ट. 71 to 90. So 4. 4. और 91 to 100 again 4. ठीक है, वापस चेक कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी. सबके ऐड करेंगे तो 30 आ रहा है, which is correct. So we have counted all of them. Yes, समझ में आ रहा ना? ठीक है. Now अगर मैं एक बार ये ऐसा 30.5 हो तो क्या होगा? हाँ, वही मैं क्लीन कर रहा हूँ अभी, जस्ट मैं आ ही रहा था. अगर अपने पास जैसे अभी ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, अब डिसकंटिन्यूअस आ गया तो 30 और 31 के बीच में ब्रेक आ गया. तो जैसे अभी तूने पूछा कि 30.5 है तो वो किस में जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा. वी विल हैव टू मेक दीज क्लासेस कंटिन्यूअस, ठीक है, क्योंकि जैसे 30.5 है तो अपन डिसाइड नहीं कर सकते किस में आएगा. अब 30.5 की जगह जैसे 30.8 आ जाता तब क्या करते, ये 30.2 आ जाता तब किस में आता, ठीक है. तो उसके लिए वी मेक क्लियर इंडिकेशंस कि किस में आएगा, उसके लिए क्या करते हैं, वी मेक दीज क्लासेस टू बी कंटिन्यूअस. हाउ क्लासेस को कंटिन्यूअस कैसे बनाएंगे? So, जो दो टर्म्स उनका अपर लिमिट और लोअर लिमिट. हाँ जस्ट मैं बता देता हूँ, मेरे को शायद तेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सही से, बहुत ज्यादा नॉइज डिस्टॉर्टेड वॉइस है. यहाँ पे इन दो क्लासेस को लेते हैं, 10 टू 30 एंड 31 टू 50, ठीक है. अब मुझे कंटिन्यूस अगर बनाना है तो क्या करेंगे, वी विल टेक दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, ठीक है, फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट, सेकंड क्लास का लोअर लिमिट. वी फाइंड व्हाट 31 माइनस 30 इज, विच इज इक्वल टू 1. फिर इस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.5, ठीक है. ये वाली जो वैल्यू है, अब ये जो वैल्यू आई है तो क्या कर रहे हैं, वापस प्रोसेस बता रहा हूं क्या कर रहे हैं. दो मैंने कॉन्सिक्यूटिव क्लासेस ली, पहली वाली क्लास का अपर लिमिट, सेकंड क्लास का लोअर लिमिट, ठीक है. तो लोअर सेकंड क्लास का लोअर लिमिट माइनस फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट, जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 1 है, ठीक है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे और फिर जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 0.5 है, जरूरी नहीं है कि हमेशा 0.5 आए, ठीक है. इस वैल्यू के साथ जो यहाँ पे वैल्यू आएगी अपने पास, उसको मैं यहाँ से ये वाला जो अपर लिमिट है उसमें ऐड करूंगा, सारे क्लासेस के अपर लिमिट में ऐड करूंगा. अपर लिमिट प्लस 0.5 करूंगा और लोअर लिमिट
-0.5 करूंगा. दिस इज द प्रोसीजर. ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 9.5. यहाँ पे 0.5 ऐड करेंगे तो ये 30.5 बन गया. यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 30.5 बन गया. ये 50.5 बन जाएगा. ये 50.5 बन गया. ये 70.5 हो जाएगा. ये 70.5 बन गया. ये 90.5 हो जाएगा. ये 90.5 बन गया. ये 100.5 हो जाएगा. लाइक दिस क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कंटिन्यूस बन गई बिकॉज अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट सेम है फॉर एवरी क्लास इंटरवल. सो नाउ दिस इज अ कंटिन्यूस क्लास इंटरवल. ठीक है, अब यहाँ पे सेम चीज अप्लाई हो जाएंगी जो कंटिन्यूस के लिए अपन ने पढ़ी थी कि अगर 30.5 आ रहा है एग्जैक्टली तो इस वाली क्लास में ऐड होगा, वो फर्स्ट वाली क्लास में ऐड नहीं होगा. बट अगर 30.2 आ रहा है तो डेफिनेटली इसी में आएगा. अगर 30.8 आ रहा है तो डेफिनेटली इस वाली में आएगा. यस, आ रहा है समझ में ये सब? ठीक है, बस ये इतना सा ही करना है यहाँ पे. दिस इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स एंड एवरीथिंग. टाइम अपना 7:15 हो गया है और क्योंकि मुझे हिस्टोग्राम्स में टाइम लगेगा तो मैं बार ग्राफ्स एक्सप्लेन कर देता हूँ 5 मिनट में. ठीक है, बार ग्राफ्स बहुत इजी है. ये वाली एक्सरसाइज यू हैव टू ट्राई दिस कंप्लीट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 14.2. ठीक है, मैंने एक बता दिया है एग्जाम्पल लेके कि क्या क्या करना है, तो यू शुड बी क्लियर कि कैसे चीज कैसे प्रोसीड करना है. ठीक है, और डू यू वॉन्ट मी टू टेक वन मोर एग्जाम्पल, अगर नहीं आया कुछ समझ में तो. ठीक है, ओके, बार ग्राफ. नाउ बार ग्राफ इज वन मेथड टू रिप्रेजेंट द डेटा दैट वी हैव. ओके, वन ऑफ द मेनी मेथड्स. तो बार ग्राफ में क्या करते हैं, वी यूज बार ग्राफ व्हेन वी हैव सम डिस्टिंक्ट वैल्यूज इन जनरल. जरूरी नहीं हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन वी हैव डिस्टिंक्ट वैल्यूज तब अपन बार ग्राफ यूज करते हैं. ठीक है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज जो है उनको एक्स एक्सिस पे अपन प्लॉट करते हैं और जो फ्रीक्वेंसी है उनकी उसको वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं इन जनरल. ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसा हो हमेशा. कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे बन रहे हो बार ग्राफ, ऐसे भी दिखते हैं न्यूज़पेपर में भी देखेगी तो कभी कभी इनकम के जो बार ग्राफ्स होते हैं वो ऐसे बनाते हैं. ठीक है, बट इन जनरल वी टेक डिस्टिंक्ट वैल्यूज टू बी ऑन द एक्स एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी टू बी ऑन द वाई एक्सिस. ठीक है, सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक्सपेंडिचर का, घर के एक्सपेंडिचर का. तो कॉस्ट गोइंग टू ग्रोसरी, देन कार मेंटेनेंस, हाउस मेंटेनेंस, फीस एंड ऑल दीज थिंग्स. अभी चार ही काफी हैं. ठीक है, तो फॉर एवरी डिस्टिंक्ट वैल्यू वील रिप्रेजेंटेड बाय अ बार. ठीक है, तो आई एम टेकिंग सम बार ऑफ दिस और उसकी विड्थ में ले रहा हूं. सपोज व्हाट वी डू इज वी जनरली टेक बार्स ऑफ इक्वल ब्रेथ. अभी मेरे को वॉइस थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है जो वापस आ रही है, एक बार माइक म्यूट कर ले. ठीक है, जो बार है उसकी विड्थ अपन कांस्टेंट रखते हैं फॉर एवरी डिस्टिंक्ट वैल्यू. ठीक है, वो कुछ भी कर सकते हैं,
जैसे जब ग्राफ बनाते हैं तब इसको या तो 1 सेंटीमीटर ले ले या 2 सेंटीमीटर ले ले या कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड टेक इट एज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑन द ग्राफ पेपर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अगर 1 सेंटीमीटर लिया है तो इसका भी मैं 1 सेंटीमीटर लूंगा, इक्वल विड्थ रखूंगा, ठीक है। लाइक दिस आ रहे समझ में, ठीक है। दिस विड्थ इज इक्वल, ये वाली विड्थ, और ये वाली जो विड्थ है ये भी इक्वल रखते हैं दोनों ग्राफ्स के बीच, दोनों बार्स के बीच में। यहां पे नहीं दिख रही है बट दिस शुड बी इक्वल टू दिस, ये y y y, अच्छा y नहीं लेता हूं, सॉरी कुछ और ले लेते हैं, से m, ये भी m होना चाहिए, ये भी m होना चाहिए, से ये वाली विड्थ मैंने n ली है तो ये भी n होना चाहिए, ये भी n होना चाहिए, ये भी n होना चाहिए, क्या ये आ रहा है समझ में, ठीक है। तो बार की विड्थ भी इक्वल होनी चाहिए एंड उनके बीच में, बार्स के बीच में जो विड्थ है वो भी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये तो अपन ने डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑन द एक्स एक्सिस ले ली, वाई एक्सिस पे अपन लेते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे जैसे मैंने रुपीज ले लिया तो रुपीज की फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, ग्रोसरी में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएगा, कार में कार मेंटेनेंस में इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, हाउस मेंटेनेंस में इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, फीस में इतने पैसे खर्च हो रहे हैं एंड सो ऑन, ठीक है। सपोज जैसे यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 200 हो गया, ये 300 हो गया, 400, 500, 600, 700, 800 एंड सो ऑन, आ रहा क्या समझ में, ठीक है। तो ऐसे एक बार ग्राफ बनाते हैं, जनरली वी मेक इट फॉर डिस्टिंक्ट वैल्यूज, जैसे ऐसे सपोज कर सकते हैं, अभी मैं इसको चेंज कर दूंगा, ग्रोसरी कार हाउस फीस की जगह सपोज मैंने ले लिया, हाउ मेनी ट्रॉफीज डिड अ हाउस विन इन कॉम्पिटिटिव, मतलब स्कूल में जो हाउसेज होते हैं डिफरेंट हाउस, हाउ मेनी ट्रॉफीज डिड दे विन। तो जैसे एक रेड हाउस हो गया, एक ब्लू हो गया, एक येलो हो गया, एक ग्रीन हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे डिस्टिंक्ट वैल्यूज जब होती हैं तब अपन बार ग्राफ बनाते हैं, यस क्लियर है। तो ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, ग्राफ्स अपन आगे और डिस्कस करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्सरसाइज 14.2 तक कंप्लीट कर लेना, ठीक है। एंड आरडी मैंने देखी नहीं है, एक मिनट में देख लेता हूँ, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्सरसाइजेज है वो कर सकती है, सो दैट एक्सरसाइज विल बी एक्सरसाइज 22.2, 22nd चैप्टर है मेरा एंड इट इज अ डिफरेंट चैप्टर, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, दिस इज अ कंप्लीट डिफरेंट चैप्टर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज अ डिफरेंट चैप्टर। Yes? तेरे भी different है क्या? So, हाँ, मेरा भी 22nd chapter है। हाँ, so 22.2. So, 22.2 तब करनी है ना? हाँ। So, first वाला करना जरूरी है क्या? लेकिन ना जरूरी नहीं है क्योंकि इतना कुछ उसमें होता नहीं है first exercise में। ठीक है? So That's it for today. Next time continue karenge statistics. Okay? Thank you, sir. Okay, bye-bye. Thank you.